नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। 21 अक्टूबर को रीवा में पति के साथ पिकनिक मनाने गई नवविवाहिता से बदमाशों ने गैंगरेप किया। उसके सिर पर बोतल फोड़ी और पति को बंधक बना लिया। फिर पति के सामने ही पत्नी के साथ दरिंदगी की थी, वीडियो भी बनाया। पुलिस इस वारदात के सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन दरिंदगी का वो खौफनाक मंजर अब भी पीड़ित दंपति की आंखों में है, जिसे याद करके वे आज भी डर जाते हैं। इसी वजह से घर से निकलना तक बंद कर दिया है। माता पिता को डर है कि कहीं पीड़ित बहू बेटा सुसाइड न कर ले, इसलिए वो लगातार उन पर नजर रखते हैं, रात रात भर जागते हैं। पीड़ित परिवार से बात की तो वे अपना दर्द बयां करते हुए रो पड़े। पिता ने कहा, गैंगरेप की वारदात के बाद बेटा बहू को सुसाइड की योजना बनाते हुए सुना तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम पति पत्नी रात रात भर जागते हैं, नजर रखते हैं कि कहीं ये कोई गलत कदम न उठा ले। रात में तसल्ली कर लेते हैं कि दोनों सो गए हैं, इसके बाद ही हम सोते हैं। कुछ घंटों की नींद के बाद इनके उठने से पहले ही जग जाते हैं। मैं सोता हूँ तब पत्नी जागती है, जब पत्नी जागती है तब मैं सोता हूँ। वहीं पीड़िता बोली, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। दरिंदों के चेहरे बार बार सामने आते हैं, जिससे मैं सहम जाती हूँ। चार दीवारी में कैद होकर रह गई हूँ। कोशिश के बाद नींद तो आ जाती है, पर वो खौफनाक मंजर बुरा सपना बनकर सामने आ जाता है। मुझे किस कसूर की इतनी बड़ी सजा मिली, यही समझ नहीं आता। मामला रीवा जिले के गुड़ का है। 21 अक्टूबर को पति पत्नी दोपहर के समय भैरव बाबा मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। पति ने बताया कि दर्शन कर बाहर आए तो कुछ दूर मैदान में नशे में धुत आरोपी लिट्टी चोखा बना रहे थे। हम दोनों बाइक से निकले और कुछ दूर जाकर तालाब किनारे चट्टान पर बैठकर बात करने लगे। हम इस बात से अनजान थे कि आरोपी हमारा पीछा कर रहे हैं। वे अचानक से आ धमके और हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, वो मेरे सामने पत्नी के साथ दुष्कर्म करते रहे। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 5 ने गैंगरेप किया था, जबकि 3 ने इसमें उनका सहयोग किया था। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सभी आरोपी रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। उन्होंने नशे में वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के ससुर ने बताया कि गैंगरेप की बात हर तरफ फैल चुकी है। सड़क से निकलते हैं तो लोग इस तरह देखते हैं, जैसे हम किसी दूसरे ग्रह से आए हो। जब से बहू के साथ यह वारदात हुई है, जीना मुश्किल हो गया है। जीवन शर्मिंदगी के बीच बीत रहा है। हालात ये हैं कि लोगों के तानों की वजह से घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। पहले काम के अलावा घूमने और लोगों से मुलाकात के लिए भी घर से निकल जाते थे, अब बहुत जरूरी होने पर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। घर से बाहर निकलने के ख्याल से ही डर लगता है कि फिर कोई मिलेगा और हमसे घटना के बारे में पूछेगा, जानबूझकर हमें शर्मिंदगी महसूस करवाएगा या फिर ताने मारेगा। पीड़िता के ससुर ने बताया कि बेटा और बहू इतने टूट चुके हैं कि उनके मन में आए दिन सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं। हमने उन्हें सुसाइड की योजना बनाते हुए सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो बुढ़ापे का सहारा छिन जाएगा। वे 4 से 5 बार इस तरह का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा, मेरा इकलौता बेटा है, हम पति पत्नी रात रात भर जागते हैं। अगर हम सो गए और उसी समय इन दोनों ने कोई गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर इस बात का अफसोस रह जाएगा। पीड़िता ने कहा, गैंगरेप के पहले कॉलेज जाती थी ताकि आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। पढ़ने लिखने में काफी मन लगता था। गैंगरेप के बाद जीवन जीने का उत्साह पूरी तरह खत्म हो गया है। पहले लक्ष्य था कि जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, जिससे परिवार और घर वालों का नाम रोशन हो।
अब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं बचा है। घटना के बाद जो दाग लग गया उसके सामने अब सब कुछ फीका सा लगता है। अब जीने की इच्छा भी नहीं रह गई। बस किसी तरह जिंदगी काट रही हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी चार दीवारी के भीतर कैसे कटेगी कुछ समझ नहीं आता। किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता, मन उदास रहता है। बस जिंदगी काट रही हूँ, पीड़िता ने बताया। वह बहुत ही डरावना मंजर था। शराब की टूटी बोतल मेरे पति के गले में अड़ा दी, धमकाते हुए गैंग रेप किया, कहा अगर किसी को बताया तो हम तुम्हें पूरे जिले में बदनाम कर देंगे। ये सब करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी हम बहुत से लड़कियों को सबक सिखा चुके हैं। एसपी और कलेक्टर तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पीड़िता ने कहा हमें चैन तभी मिलेगा जब आरोपियों को फांसी की सजा हो। फांसी से कम सजा को हम इंसाफ नहीं मानेंगे। अगर उन्हें सजा नहीं मिली तो हर अपराधी यही समझेगा कि गैंगरेप या किसी लड़की की जिंदगी तबाह कर देना कोई बड़ा अपराध नहीं है। पीड़िता के ससुर ने रोते हुए कहा हमारे परिवार को तभी थोड़ा संबल मिल पाएगा जब उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाएगी। वहीं पति बोला सजा में इतना समय नहीं लगना चाहिए, इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। उनके गुनाह की सजा सही समय पर दे दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए, पीड़िता के ससुर ने कहा। मेरा पूरा परिवार दहशत में है। बहू और बेटा तो गुड़ का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि वही उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हुई। मेरे बेटे का एक पैर पहले से टूटा हुआ था जिस पर बियर की बोतल फोड़ी गई। उसे बेदम होने तक पीटा गया। बहू के सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी गई। भला इतनी बड़ी वारदात के बाद कोई कैसे नहीं डरेगा। रह रहकर पूरे परिवार को वो बात याद आती है। मैंने आज तक किसी से मारपीट नहीं की, लेकिन घटना के बाद मैं उन दरिंदों का गला दबा देना चाहता हूँ। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। पीड़िता के ससुर और सास ने बताया दिवाली का त्योहार था तो बहू के घर से फोन आया था। माँ बाप ने कहा कि बेटा घर आ जाओ, लेकिन वो नहीं गई। सोचती है कि मायके जाऊंगी तो माँ बाप को भी मेरी वजह से लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वारदात से पहले मायके जाने के नाम से ही चहक उठती थी। पीड़िता ने बताया धनतेरस, दिवाली और छोटी दीपावली का त्योहार बीत गया, लेकिन हमारे घर में एक दीपक तक नहीं जला। किसी बात की खुशी ही नहीं रह गई तो कैसा त्योहार मनाए। सब अपने घर में दिए जला रहे थे। पड़ोसियों ने कहा था त्योहार पर तो दिए जला लो, जब जीवन ही अंधकारमय हो गया है तो देहरी पर दिया जलाकर क्या करना। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि घटना 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे की है। पीड़िता 22 अक्टूबर की दोपहर थाने पहुंची थी। पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर लिया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जहां गैंगरेप की पुष्टि हुई थी। पुलिस पूरे मामले में सारे सबूतों के साथ जल्द चालान पेश करने वाली है ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।